छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले या पाप है तो पुण्य क्या है। छिन्न भिन्न कर देना बढ़ रही जो तेरी तरफ वो हाथ है। दिनकर साहब की ये पंक्ति आज की मौजूदा हालत को समर्पित, वो हालात जिसके अंदर कुछ डरी सहमी हुई जमात किसी के घर में घुसकर उसे मार देते हैं और मार भी इसलिए देते हैं क्योंकि वो राम मंदिर के लिए चंदा जुटा रहा था। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या आपके मन के अंदर एक उबाल लाना चाहिए क्योंकि ये उबाल जरूरी है। जागरण में छपी रिपोर्ट के अनुसार रिंकू का कत्ल जिसने किया है उसके परिवार वालों को रिंकू शर्मा ने अपना खून दिया था। एक छोटी सी बहस और कुछ डरे सहमे हुए विशेष वर्ग के लोग जिनको भारत में रहने से भय लगता है वो 11-12 लोग विनम्र निवेदन करने के लिए रिंकू के घर जाते हैं और प्रेम से उनकी हत्या कर देते हैं। और अगर आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप असहिष्णु कहलाते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं निशन। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई 25 वर्षीय युवक रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में अब तूल आ गया है। रिंकू के लिए इंसाफ की मांग करते हुए लोगों ने इसे जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि रिंकू शर्मा भाजपा और VHP से जुड़ा था। इन दिनों राम मंदिर के लिए वे चंडा जुटा रहे थे। हालांकि पुलिस ने ऐसे दावों को खारिज किया है। भाजपा नेता संबित पात्रा समेत कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की मांग की। वहीं VHP ने कहा है कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़ा था और इसके चलते उसकी हत्या हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अगर धर्म की स्वतंत्रता आपके लिए है तो धर्म की स्वतंत्रता रिंकू शर्मा के लिए भी है। VHP नेता सुरेंद्र जैन ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। VHP प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि रिंकू शर्मा जय श्री राम। उनके इस ट्वीट के बाद सियासी उबाल बढ़ गया है। यही नहीं, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए न्याय की मांग की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने रिंकू शर्मा की हत्या के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार देर रात रिंकू शर्मा की हत्या हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जन्मदिन की पार्टी में हुई बहस के बाद चार लोगों द्वारा रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के सांप्रदायिक एंगल पर भूनने से इनकार किया है, लेकिन मृतक के भाई का कहना है कि उसकी हत्या धार्मिक वजह से ही की गई है। मृतक युवक रिंकू शर्मा एक निजी अस्पताल में टेक्नीशियन के रूप में काम करता था और अपने परिवार के साथ मंगोलपुरी में रहता था। पुलिस ने बताया है कि चारों गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद महताब के रूप में हुई है। दानिश और इस्लाम टेलर का काम करते हैं, जाहिद एक कॉलेज का छात्र है और महताब तो महज 12वीं क्लास में पढ़ता है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दानिश और रिंकू की अपने पड़ोस में बुधवार रात एक जन्मदिन की पार्टी में बहस हो गई थी, जिसके बाद लगभग 11 बजे रिंकू की हत्या कर दी गई। पार्टी में दानिश और रिंकू दोनों को आमंत्रित किया गया था। पार्टी में जब रिंकू अपने दोस्त के साथ अपने घर के लिए निकल गया तभी दानिश ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद फिर उनमें बहस हो गई और रिंकू ने दानिश को थप्पड़ मार दिया। दानिश जो अपने 3 दोस्तों के साथ था उसने रिंकू को पकड़ लिया और उसे चाकू मार दिया। रिंकू को बचाने की कोशिश के दौरान दोस्त को भी मामूली चोटें आईं। रिंकू के गिरने के बाद चारों आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बहस का कारण क्या था। घायल हालत में रिंकू को पास के अस्पताल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बाहरी सुधांशु थामा ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान दानिश और उसके दोस्तों की पहचान कर छापेमारी के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। बस आपको इस चीज़ को बदलना चाहिए और बदलने के लिए आप ये सोचिए कि रिंकू शर्मा की जगह पर यहाँ पे दूसरे लोग होते जिन्होंने उसका कत्ल किया है।
और वहाँ पे रिंकू शर्मा के जैसे लोग होते जिन्होंने कत्ल किया है, तब क्या ये देश इतना मौन रहता? कब क्या ये देश इस तरीके से चुप्पी साधे रहता? इस देश में अपराधों का वर्गीकरण हो गया है। अब अगर हो गया है, अब अगर आपने बबूल बो दिया है, तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहिए। अपराधों का वर्गीकरण भी इस देश में कर दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है, लेकिन है तो है। अंकित, ध्रुव त्यागी, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसे मॉब लिंचिंग नहीं कही गई, तब इस देश में असहिष्णुता नहीं बढ़ी। बहरहाल, चाहे अंकित हो, चाहे ध्रुव त्यागी हो, या चाहे रिंकू शर्मा हो, हमने सबके लिए आवाज़ उठाई है। हम रिंकू के लिए भी आवाज़ उठाते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को भारी से भारी मात्रा में शेयर करें, ताकि रिंकू को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।